Dear students, good morning. Today we will start chapter number 3, whose title is Give and Take. Give means Dena and Take means Lena. ठीक है, मतलब किसी को हम कुछ चीज़ें दे रहे हैं और किसी से कुछ ले रहे हैं. ठीक है, हम किसी से कुछ लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, मतलब हम ऐड करते हैं उस टाइम. और किसी को कुछ देते हैं तो हमारे पास से चीज़ें जा रही हैं तो हम अपनी चीज़ों में उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है ये चैप्टर. ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसका टाइटल है. एक तरह से गिव एंड टेक जो टाइटल है उसका मीनिंग यही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आई एम, अब क्या कह रहा है देखो लेसन में क्या कहा जा रहा है. आई एम की टू, मैं की टू हूँ. दिस इज़ माई होम, और ये मेरा होम है. देखो एक चीटी है जो कह रही है कि ये मेरा होम है, ये मेरा घर है. ठीक है, अब दिस इज़ माई होम इसने बताया. इजंट ह्यूज, क्या ये बहुत बड़ा नहीं है? यस ये बहुत बड़ा है ना, इसके हिसाब से तो बहुत बड़ा है. ठीक है, इट हैज़ 100 रूम्स, इसमें 100 रूम्स हैं. हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स. अब ये चेटी कह रही है कि टू जिसका नाम है कि मेरी हेल्प कीजिए कुछ रूम्स को पेंट करने में. ठीक है, अब किस किस को पेंट करना है वो देखिए. कह रही है आई स्टार्ट फ्रॉम टू, रूम नंबर टू. मैंने स्टार्ट किया रूम टू से. ठीक है, रूम टू से वो स्टार्ट कर रही है. फिर कह रही है रूम टू से, ठीक है ये रहा टू रूम. आई एड 10 टू टू, मैंने ऐड किया 10 में, सॉरी टू में 10 को ऐड किया. अब टू में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा. तो वही कह रही है आई एड 10 टू टू, कि 10 ऐड किया टू में टू रीच रूम 12, रूम नंबर 12 तक पहुंचने के लिए. एंड पेंट इट, और उसको पेंट कर दिया. ठीक है, अब ये बता रहा है कि दो तरीके हैं रूम 12 तक जाने के लिए, कि एक तो ऐसे ऐसे करके जाओ वन वन स्टेप करके. ठीक है, एक या फिर एक ऐसे डायरेक्ट जंप लगा दो. ठीक है, तो ये बता रहा है, यही कह रही है वो चिट्ठी. अब देखिए टू एड 10 टू टू, कि टू में 10 ऐड करने के लिए वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट टू 10, कि हम पूरा रास्ता राइट में जाएंगे 10 तक पहले. ठीक है, राइट में जा रहे हैं ना, देखो 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे, ऐसे राइट में जा रहे हैं. ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है. हमारा, हम जिस हैंड से लिखते हैं वो हमारा राइट हैंड होता है. ज्यादातर बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए देन अप टू 11, 10 तक जाने के बाद फिर 11 पे गया. और एंड वन स्टेप राइट टू 12, फिर से एक स्टेप 12 तक गया. मतलब गई वो चीटी, मतलब हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज वन वे टू गो फ्रॉम 2 टू 12. अब ये एक तरीका है, वन वे मतलब एक तरीका है 2 से 12 तक जाने का. ठीक है, एक दूसरा शॉर्टकट भी हो सकता है. वो कैसे? देखिए यहाँ से 2 से सीधा हम यहाँ पे जंप लगा सकते हैं 12 पे, वन रो ऊपर लगा सकते हैं. अब इज देयर शॉर्टकट, क्या कोई शॉर्टकट है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, चीटी कह रही है. वी कैन जंप अप वन रो, हम एक रो ऊपर जंप कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए जो ऐसे लेटी हुई होती हैं लाइन उसको हम कहते हैं रो. ऐसे ये वाली ऐसे लेटी में है ना, और ऐसे खड़ी हुई जो स्टैंडिंग में है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं. ठीक है, ये वाली रो होती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं. ठीक है, और वर्टिकली क्या होती हैं? कॉलम. ऐसे वाली 11 टू 20 ऐसे लाइन जा रही है इसको रो बोलते हैं, और ऐसे ऊपर तक जा रही हैं उसको कॉलम बोलते हैं. ए जंप फ्रॉम टू टू, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं. ए जंप फ्रॉम टू टू 12 इज लाइक टेकिंग, अब 2 से 12 पे सीधा जंप कर रहे हैं वो, एक रो ऊपर जा रहे हैं ना, शॉर्टकट लगा रहे हैं. तो वो क्या है, एक तरह से वो 10 स्टेप्स क्रॉस करके जा रहे हैं ना. तो जंपिंग जो है 2 से 12 तक वो एक तरह से लाइक टेकिंग 10 स्टेप्स है. 10 स्टेप है ना भाई, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 ऐसे जंप करके 12 तक जा रहे हैं. तो 10 स्टेप्स उसने क्रॉस किए. यानी कि नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 14. अब देखिए 14 से जंप तो वो एक ही लगा रहा है, वहां पे भी उसने एक ही जंप लगाया ना पीछे भी, 2 से 12 तक जो जंप लगाया था, 2 से 12 तक एक ही जंप लगाया, लेकिन स्टेप्स कितने लिए उसने? 10 है ना, 10 स्टेप्स क्रॉस करके गया है ना. अब देखो नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 14. अब कह रहा है कि ट्राई करो एक जंप लगाने की, किससे? 14 से. 14 से जब एक जंप लगाया
तो कितना आ गया 24 पे, लेकिन स्टेप्स कितने क्रॉस किए उसने 10, है ना। तो देखो 14 प्लस 10, 10 क्यों ऐड किया इसने, क्योंकि 10 स्टेप्स क्रॉस किए हैं इसलिए। तो 14 प्लस 10 इक्वल टू 24। कलर दिस रूम, अब 24 को कलर कर देना है, वहाँ पे आप कलर करते जा सकते हैं जो जो आप आपका आएगा, जैसे 12 को किया फिर 24 को किया, है ना। अब आगे देखिए, हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41, जंप फ्रॉम 22 टू, अब देखो 22 से 41 पे जाना है उसको, है ना। देखिए अब 22 से 41 पे जाना है, एक तो तरीका ये है कि 22 से पहले 10 स्टेप्स क्रॉस किए, मतलब एक जंप लगाया, लेकिन स्टेप्स कितने क्रॉस किए 10, ठीक है। देखिए 22 से 32 पे जंप किया सीधा, फिर 32 से 42 पे जंप किया, यानी कि 10 के 2 स्टेप्स लिए और फिर एक लेफ्ट में गया, यानी कि माइनस कर दिया उसने, है ना। एक माइनस किया तो 41 आ गया। एक तो तरीका ये था कि पहले सीधा सीधा ऐसे चले जाओ 22 से 32, 32 से 42 और फिर माइनस कर दो। दूसरा तरीका एक ये भी है कि 22 से पहले ही वो 21 पे चला गया, मतलब पहले माइनस कर लिया, पहले ही एक स्टेप लेफ्ट में चला गया और फिर 10 जंप किए, 21 से 10 जंप किए तो 31, 31 से 10 जंप किए तो 41, 41 पे जाना था। तो ये दोनों तरीके हम अपना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अब 22 टू 41 जंप फ्रॉम 22 टू 42 जैसे इस वाले में किया है, देन वन स्टेप लेफ्ट और एक स्टेप लेफ्ट में जंप कर दो। वी कैन राइट इट लाइक दिस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 22 में आपने 20 ऐड की ना, 10 करके दो बार, 22 प्लस में 20 इक्वल टू 42, ठीक है, और 42 माइनस में 141, माइनस भी तो किया ना, एक लेफ्ट में गया है। तो हाउ मेनी स्टेप्स डिड आई गो इन ऑल, मैं कितने स्टेप्स टोटल गई ये बताना है, ठीक है, कितने स्टेप्स उसने क्रॉस किए। अब देखो यहाँ पे 20 क्रॉस किए उसने और एक और फिर लेफ्ट में गया, तो 21 स्टेप्स उसने कूदे हैं ना, एक तरह से देखा जाए तो जंप उसने 21 किए हैं। यहाँ पे 21 आ जाएगा। यू कुड आल्सो गो दिस वे, इस तरीके से भी जा सकते हैं 41 तक, फ्रॉम 22 टेक वन स्टेप लेफ्ट टू 21, पहले एक स्टेप लेफ्ट में ले लो, देन टू जंप्स अप टू 41 और फिर टू जंप्स लगाओ 41 तक, ठीक है। अब 22, अब इसमें पहले हमने माइनस किया तो पहले 22 माइनस 1 किया तो 21 आ गया और फिर 21 में 10 दो बार ऐड करेंगे, यानी कि 20 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब है फाइंड माय फूड, ट्राई दीज ओन कीटूज होम, अब हे ये चीजें भी ट्राई करो कीटू के घर पर। अब देखो, हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, हे हाय मैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। माँ टोल्ड मी, माँ ने मुझे बताया था, देर आर स्वीट्स टू ईट सम रूम्स, कि कुछ मिठाइयाँ हैं खाने के लिए कुछ रूम्स में, कुछ रूम्स में कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं खाने के लिए, हेल्प मी फाइंड दैट रूम, मेरी हेल्प करो उस रूम को फाइंड आउट करने के लिए, द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम। अब देखो जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये उन रूम्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे हमारी। मार्क दैम इन माई होम, और उनको मार्क भी करते जाना मेरे होम में, ठीक है, उन पे मिठाइयाँ रखी हुई हैं उन रूम्स पे। अब पहला रूम कौन सा है, देखो 10 लेस देन 34 इज, अब जो अगर हम 34 में से 10 लेस देन का मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन, कि 34 में से 10 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, ठीक है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है। देखो 34 में से 10 गए तो कितना हो गया 24, तो 24 को यहाँ पे हमें मार्क करना है, ठीक है, ऐसे सब रूम्स को मार्क्स करते जाना जो भी इसके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। अब देखो 53 माइनस 20, अब 53 में से 20 माइनस करें, 53 में से अब 10 पहले 10 माइनस करेंगे तो 43, फिर से 10 माइनस करेंगे तो 33, 10 माइनस करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। 11 मोर देन 31, अब मोर देन का मतलब ज्यादा, ठीक है, मोर देन का मतलब ज्यादा, यानी कि एडिशन, यानी कि आपको प्लस करना है, ठीक है, 11 प्लस करना है किस में, 31 में, अगर आप 31 में 11 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है, प्लस तो आप सबको करना ही आता है मुझे पता है। 11 लेस देन 66, अब देखो क्या कह रहा है कि लेस देन फिर से माइनस करना है, लेस देन का मतलब माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, 66 में से 11 गए तो 55, 62 में प्लस किया 13 तो 75, अब लेस देन फिर से लेस देन का मतलब वही सब्ट्रैक्ट करना यानी कि माइनस करना,
ठीक है, 89 में से 23 को लेस करना है तो 66 आ जाएगा, ठीक है। 10 एंड 40 मोर इज, अब देखो 10 है और उसमें 40 और ज़्यादा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50। 9 एडेड टू 28 गिव्स, अब 28 में 9 ऐड करेंगे तो 37 ऐड कर रहे हैं, यानी कि प्लस कर रहे हैं। द सम ऑफ 9 एंड 44, सम का मतलब फिर से वही ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है, सम करना है किस किस को, 44 को और 9 को, ठीक है, 44 को और 9 को ऐसे लिखेंगे, और 9 वंस प्लेस पे, क्योंकि सिर्फ वंस है ये वंस और ये टेंस होते हैं, है ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब 9 में से 44 में से 9 को ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस नहीं, ऐड, सम बोला है ना, तो 53 हो जाएगा यहाँ पे, 9 और 4 3 और कैरी आ जाएगा 4 और 1 5, यानी कि 53। रिड्यूसिंग 98 बाय 34 गिव्स, अब देखो 98 को रिड्यूस करना है कितने से, 34 से। रिड्यूस का मतलब भी माइनस ही होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है, रिड्यूस का मतलब माइनस या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो रिड्यूसिंग करना है किसमें, 98 में कितना, 34, तो वही माइनस करना है, 98 माइनस 34 64 आ जाएगा। 4 एंड 37 मोर इज, अब वही फिर से 4 में 37 ऐड करना है, मोर का मतलब प्लस। टेक 35 अवे फ्रॉम 83, क्या कह रहा है, 83 से ना 35 को हमें हटाना है, अवे करना है, उसे दूर करना है, ठीक है, मतलब माइनस करना है, एक तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। 83 में से माइनस करेंगे 35 तो कितना आ जाएगा, 48। तो ये जितने भी रूम्स आए हैं इनको यहाँ पे मार्क करना है आपको, ठीक है, और वहाँ पे आंसर लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे देखो, एग्जाम्पल दिए हैं कि 47 इक्वल टू 37 प्लस 10, इस तरह से आपको, जैसे यहाँ पे आंसर था एक्चुअली 37 प्लस 10 इक्वल टू 47, ये खाली जगह थी, फिल इन द ब्लैंक है एक तरह से। ऐसे ही 37 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 46 ऐड करना है, 65 माइनस 30 57, 46 प्लस 21 67, ऐड कर करके देखना है, ठीक है, कॉलम वाइज लिख के आप ऐड कर सकते हो, रो वाइज और कॉलम वाइज। 87 माइनस 30, अब देखो ये करके नहीं दिखा सकता, दिखा रखा यहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ, 87 माइनस 30 ऐसे हम लिखेंगे पहले, ठीक है, और यहाँ माइनस का निशान, 7 में से 0 गया, 0 जब जाता है, हम किसी को मतलब 7 चीज़ें हमारे पास और किसी को 0 दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, यानी कि 7 ही हमारे पास रह जाएगा। 8 में से 3 गया तो कितना, 55, मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पे, 57 आ जाएगा, है ना, 8 में से 3 गया 5, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 57 आ गया, ओके। ऐसे करके भी आप रफ में निकाल के आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए 66 माइनस, यहाँ पे हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो 66 होता है इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे, हम 66 में से 11 को माइनस करेंगे। अगर हम 66 को 11 में से माइनस, 11 माइनस करते हैं 66 में से, तो कितना आएगा, आएगा 55 आएगा, यहाँ पे 55 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 9 है, अब इसका भी तरीका यही है कि 36, अब देखो ये प्लस होके आ रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है ना, प्लस होके आ रहा है तो यानी कि ज़्यादा होगा, यानी कि ये ज़्यादा है तो ये वैल्यू तो कम आएगी, अब ये वैल्यू कम आएगी तो यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 36 माइनस 9 करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 45 प्लस का निशान है और आंसर में ज़्यादा वैल्यू है, फिर से वैसा ही है कि इस वैल्यू में से ये माइनस करके करेंगे तो ये हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, 76 में से ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, अब यहाँ पे भी यही सेम, 75 में से 26 माइनस करेंगे तो यहाँ का आंसर आ जाएगा, 98 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का निशान है, ठीक है, अब ये कुछ बड़ी वैल्यू थी जिसमें से इसको माइनस किया तो छोटा आंसर आता है, बड़ी वैल्यू में से छोटा आंसर माइनस करते तो आंसर और भी मतलब छोटा आता है उस वाली वैल्यू से, बड़ी वाली से, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करके ये आंसर आएगा, ठीक है। 35 प्लस में 21, 5 और 1 6, 2 एंड 3 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब ये देखिए
अब यहाँ पे भी सेम वही है, ये आंसर नहीं है, 57 माइनस कुछ वैल्यू है, अब वो कुछ वैल्यू तो कम होगी तभी तो उसको बड़ी में से माइनस कर रहे हैं, तो यानी कि 57 में से ये पीछे वाली माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें माइनस करके देखेंगे, यहाँ पे तो हमें प्लस करना पड़ा था क्योंकि बड़ी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे लेकिन छोटी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, जब बड़ी वैल्यू निकालनी है तो प्लस करना है, तो आगे वाली तो सबसे बड़ी होती है माइनस वाले में, लेकिन पीछे वाली छोटी होती है इसलिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे देखिए, एडिंग मेड इजी। अनीशा बोट एप्पल्स फॉर 37 रुपीज। अनीशा ने जो एप्पल खरीदी वो कितने में खरीदी, 37 में, 37 की एप्पल ली। राजा बोट बनानाज फॉर रुपीज 21। राजा ने बनाना लिए 21 के। द वुमेन सेलिंग फ्रूट सेट, जो वुमेन बेच रही है वो फ्रूट्स को, वो क्या कह रही है, 37 इज 37, जो 37 है उसको टुकड़ों में तोड़ लिया, देखो 37 के कितने क्या टुकड़े हो सकते हैं, 37 यानी कि 30 + 7, 21 इज 20 and 1, ठीक है, कि 20 और एक रुपया और, ठीक है। सो 37 and 21 मेक, अब देखो यहाँ पे ऐड करके देखो, 30 और 20 को सीधा ऐड कर दो, 30 और 20 50, 30 में 10 ऐड किया 40, 40 में 10 ऐड किया 50, यानी कि 30 और 20 50, और 7 और 1 को अलग कर लो ऐड, तो फिर क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा टोटल, तो यही कह रहा है। द फर्स्ट टू आई कैन डू, अब देखो ये कह रहा है कि मैं कर सकती हूँ इन दोनों को, ठीक है। हाउ डिड सी एड 37 and 21 सो फास्ट, कैसे उसने इतनी जल्दी मतलब ऐड किया है 37 को 21 को, टुकड़ों में तोड़ के किया है, ठीक है, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, 30 और 20 है ना, जैसे 30 से हमें पता चला 30 और यहाँ पे 20, तो 30 और 20 कितना हो गया 50, और 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी कि 58, इसलिए ऐसे टुकड़ों में तोड़ के दिखाना है हमें, करना है। लेट अस आल्सो ट्राई लुक एट दिस सम, कि 26 और प्लस 43 है, 26 को फिर वही स्प्लिट कर लिया हमने किस में, 20 प्लस 6 में, 43 को स्प्लिट कर लिया 40 प्लस 3 में, अब 20 और 40 को एक साथ ले आए क्योंकि ये जीरो वाले हैं तो आसानी से ऐड हो जाएंगे, 40 क्योंकि 40 और फिर 10 10 है और दो बार ऐड कर दो तो 20, यानी कि 40 और 20 कितना 60, और 6 और प्लस 3 9, और फिर 60 प्लस 9 कर देंगे तो 69, यानी कि आंसर कितना आ गया 69। अब देखो वी अब यही बता रहा है कि हम कर सकते हैं, वी ब्रेक 26 इंटू 20 + 6, कि हम तोड़ सकते हैं 26 को 20 + 6 में, एंड 43 को 40 + 3 में, एंड 43 इंटू 40 + 3, देन इट इज ईजी, वी एड 20 + 40 and 3 + 6, 20 and 40 को ऐड करोगे तो 60, क्योंकि 20 है यानी कि 10 और 10, दो 10 और 10 है, तो यानी कि 10 पहले 10 ऐड किए तो 50, फिर 10 ऐड किए तो 60, और 3 और 9 कितना होता है 9, यानी कि 69, ठीक है। आज इतने ही करेंगे।